अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मोहब्बत का एक ऐसा पावरफुल तावीज़ लेकर के हाजिर हुआ हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कि जो अपनी मोहब्बत में धोखा खाए हुए हैं। अगर आपको भी आपकी मोहब्बत में धोखा मिला है, यानी आपका महबूब किसी और से मोहब्बत करने लगा, या आपके महबूब ने आपको छोड़ दिया है और आप अपने महबूब को लेकर के परेशान हैं, अगर आपके महबूब ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है और किसी और से मोहब्बत करने लगा है, आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाए और जैसे पहले मोहब्बत करता था या पहले मोहब्बत करती थी उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत हो जाए और ऐसा आप करके बन करके रह जाए कि पूरी ज़िंदगी आपका साथ न छोड़े, तो दोस्तों ये तावीज़ आपके लिए है। तो दोस्तों चलते हैं इस तावीज़ की तरफ के किस तरीके से बनाना है, कब बनाना है, किस दिन बनाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लिहाजा शुरू से आखिर तक देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपने इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये 8 खानों वाला नक्शा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 खाने नीचे भी हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ आ जाए, यहाँ आपने लिखना है सबसे पहले 2, ठीक, उसके बाद यहाँ लिखना है 1, इस खाने में लिखना है तोए, ठीक, इसको उर्दू का तोए कहा जाता है, यहाँ लिखना है, यहाँ फिर आपने लिखना है 2, फिर यहाँ लिखना है 1, ठीक, फिर इस खाने में अलिफ और ये मीम, ठीक है, फिर इस खाने में 6, इस खाने में आपने लिखना है हे, ठीक, ऐसे आपने इसको लिख लेना है। बहुत ही मुजर्रब 12 की आजमाई हुई, चाहे कितने ही साल हो गए हों या कितनी ही मुद्दत हो गई हो आपके महबूब को आपसे जुदा हुए, अगर आप इस तावीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका महबूब, आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है 101%। अब यहाँ नीचे आप आ जाएं, यहाँ लिखें 1, यहाँ आपने लिखना है ये, इसमें लिखना है बे, यहाँ लिखना है हे, ठीक, ठीक है, फिर आपने यहाँ लिखना है ये, यहाँ लिखना है 21, फिर आपने लिखना है और यहाँ लिखना है मीम, ठीक है, ऐसे आपने इसको तैयार कर लेना है। बिल्कुल आप देखें कि साफ दिखाई दे रहा होगा, ऐसे आपने इसको जो है वो लिख लेना है, ठीक। अब नीचे आ जाएं, यहाँ लिखना है आपको, अपने महबूब का नाम, फिर अपना नाम, ठीक, ये देखें, यहाँ अपने महबूब का नाम लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है कि जब इसको किस दिन बनाना है, इसको आप बना सकते हैं जुमे के दिन, ठीक, और पीर के दिन यानी मंडे के दिन और जुमेरात के दिन, ठीक है, 3 दिन किसी भी दिन आप इसको बना सकते हैं, जुमा, जुमेरात और सोमवार, इन 3 दिन में आपने इसको बनाना है किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम आप बना सकते हैं, मगर इसी 3 दिन में। इसको बनाने के बाद,
ठीक, जब भी आप बना रहे हो तो तन्हाई में बैठ करके बनाएं। इन्हीं तीनों दिन में किसी भी टाइम दिन में आप बना सकते हैं या रात में बना सकते हैं। बनाने के बाद आपने करना क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी खुशबू लगा देना है। खुशबू लगाने के बाद इस तावीज़ को आपने अपने पास ही रखना है। अगर मुमकिन हो तो आप इसको अपने दाहिने बाजू में बांध लें, या गले में पहन लें, या दाहिने बाजू में बांध लें, या अपने पर्स में रख लें। लेकिन पर्स में जब भी रखें तो ऐसा ना हो कि आप जब बैठें तो आपके वो नीचे पड़े। इस तरीके से ये तावीज़ की बेहरमती होगी, लिहाजा आगे की पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मेरा यकीन करें कि अगर 24 घंटे के अंदर आपका प्यार ना मिले तो आप फिर मुझे कहिएगा, जो आपके समझ में आए वो कहिएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको बनाना है और इसको अंजाम देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।